कोरोना महामारी को रोकने के लिए देश में जोर शोर से वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। इस बीच भारत की देसी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की मुहर का इंतजार है। ये इंतजार लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अब जल्द ही इस पर फैसला हो जाएगा। WHO ने मंगलवार को कहा कि अगले सप्ताह भारत बायोटेक के कोविड टीके कोवैक्सीन के लिए इमरजेंसी यूज लिस्टिंग EUL का दर्ज देने पर फैसला हो जाएगा। WHO ने ट्वीट किया कि WHO और विशेषज्ञों के एक स्वतंत्र समूह की अगले सप्ताह बैठक होने वाली है, ताकि जोखिम लाभ का आकलन किया जा सके और अंतिम फैसला लिया जा सके कि कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज लिस्टिंग दी जाए या नहीं। WHO के टीकाकरण पर एक्सपर्ट्स के रणनीतिक सलाहकार समूह ASAGI ने मंगलवार को अन्य मुद्दों के साथ EUL पर कोवैक्सीन पर अपनी सिफारिशें करने के लिए बैठक की। कोवैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक लगातार WHO को टीके के डेटा के बारे में जानकारी मुहैया करवा रहा है। हाल ही में संगठन के अनुरोध पर 27 सितंबर को अतिरिक्त जानकारी मुहैया करवाई गई थी। भारत बायोटेक ने ASAGI के ड्राफ्ट के एजेंडे के अनुसार वैक्सीन के क्लिनिकल परीक्षण और जोखिम प्रबंधन योजनाओं, सुरक्षा और प्रभावी डेटा पर एक प्रेजेंटेशन दी। जानकारी के अनुसार ASAGI के सदस्य हन्ना नोहानेक से वैक्सीन के लिए एक ड्राफ्ट सिफारिश पेश करने की उम्मीद है और सेशन इसकी सिफारिशें करेगा। WHO वर्तमान में वैक्सीन निर्माता द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की समीक्षा कर रहा है और WHO की वेबसाइट पर उपलब्ध अपडेट के अनुसार टीके पर फैसले की तारीख अक्टूबर 2021 रखी गई है। एजेंसी के अनुसार EUL प्रक्रिया की अवधि वैक्सीन निर्माता द्वारा दिए गए आंकड़ों की गुणवत्ता और WHO के मानदंडों को पूरा करने वाले आंकड़ों पर निर्भर करती है। वहीं भारत बायोटेक ने पिछले महीने कहा था कि उसने इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के लिए वैक्सीन से संबंधित सभी आंकड़े WHO को सौंप दिए हैं और अब उसे जवाब का इंतजार है। भारत बायोटेक ने ट्वीट किया था, कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल डेटा जून 2021 में पूरी तरह से संकलित और उपलब्ध था। विश्व स्वास्थ्य संगठन को इमरजेंसी यूज लिस्टिंग यानी EUL आवेदन के लिए सभी डेटा जुलाई की शुरुआत में सौंप दिए गए। हमने WHO द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का जवाब दिया है और आगे की फीडबैक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोवैक्सीन उन 6 टीकों में शामिल है जिन्हें भारत के ड्रग कंट्रोलर से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है और देशव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम में कोविशील्ड और स्पुटनिक वी के साथ इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन WHO की मोहर न लगने से अभी विदेशों में इसे मान्यता नहीं मिली है, जिसकी वजह से विदेश जाने वाले उन भारतीयों को परेशानी हो रही है जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाई है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।